हाय गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम है त्रिशिता चक्रवोर्ती एंड वेलकम टू माय चैनल विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सो नीट में और ज़्यादा दिन बाकी नहीं है और ऑलमोस्ट हमारे पास फोर्टी फाइव डेज के करीब टाइम है तो आज बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिसको पहले कर ले तो हम लोग हाई वेल्टेज लॉक कर सकते हैं एंड्रासमी ये ज़्यादा हार्ड प्रोसीजर नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं एंड मैं मानती हूँ कि तुम लोग ज़ीरो पे नहीं हो जो जो स्टार्टिंग कर रहे हो ना अभी से नीट प्रिपरेशन करने का मैं मानती हूँ कि तुम लोग कोई भी एक भी बंदा ज़ीरो पे नहीं है ठीक है मैं मान के चलती हूँ और इससे हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मोस्ट वेटेज वाले सेक्शंस में सबसे पहले देखो तुम्हारा आता है मॉडर्न फिजिक्स भैया मॉडर्न फिजिक्स होते हैं बहुत ही आसान एंड मॉडर्न फिजिक्स में तीन तीन चैप्टर्स होते हैं तो आई होप इन चैप्टर्स को तुम आराम से कवर कर पाओगे मॉडर्न फिजिक्स में देखो तुम्हारे यहाँ पे तीन चैप्टर्स होते हैं एंड आई गेस दैट ये तीन चैप्टर्स तुम आराम से कंप्लीट कर लोगे। न्यूटॉन्स लॉ ऑफ मोशन भैया कुछ नहीं कर सकते इसे मर्सीलेसली तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा वेटेज मैंने देखा हुआ है तो मुझे लगता है कि ये वाला चैप्टर ज़रूर से ज़रूर से आ सकता है ठीक है उसके साथ ही साथ ऑप्टिक्स भाई ऑप्टिक्स को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना रे ऑप्टिक्स फिर भी सही है पर वेव वाला जो जो है वेव वाला थोड़ा सा मुश्किल है तो वेव वाले के लिए ज़्यादा सा प्रिपरेशन लेना पड़ेगा ठीक है ओके कायनमेटिक्स कायनमेटिक्स में तुम लोगों का आई गेस दो चैप्टर्स आ रहा है तो वो दो चैप्टर्स अच्छे से कर लेना ऑल्टरनेटिंग करेंट वन ऑफ द मोस्ट यू कैन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इससे क्वेश्चंस आने के लगभग ज़्यादा चांसेस बनते हैं ठीक है मैग्नेटिज्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर फाइव ज़्यादा आसान है वो जल्दी से तुम्हारा हो जाएगा पर चैप्टर नंबर फोर जो है मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर नंबर फोर होता है क्लास ट्वेल्व में वो वाला थोड़ा सा मुश्किल है तो वो जल्दी पहले वो वाला कर लेना उसको ज़्यादा टाइम देना ठीक है जो हार्ड है उसको ज़्यादा टाइम जो ईज़ी है उसको थोड़ा सा कम टाइम दोगे तो हो जाएगा कम टाइम में भी ज़्यादा काम हो जाएगा ठीक है ओके करंट इलेक्ट्रिसिटी ये बिल्कुल भी इजी चैप्टर नहीं है ये बहुत ही हाई इल्डिंग चैप्टर है इसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट मर्त कर लेना ठीक है थर्मो ये ऑलमोस्ट एक ओके okay ओके -okay सा चैप्टर है लाइक यू कैन गो फॉर इट यू कैन डू विद इट ठीक है ओके okay ओके -okay सा चैप्टर है केमिस्ट्री के लिए भी बोल रही हूँ एंड मैं फिजिक्स के लिए भी बोल रही हूँ थर्मो इज़ अ ओके ओके चैप्टर ठीक है उसके बाद आते हैं ईएमआई ईएमआई इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग इफ यू रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन यूम gravitation को हल्के में मत लेना थोड़ा सा हैवी चैप्टर है पर इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जिन लोगों को हल्के में लेने को मना कर रही हूँ उन लोगों को हल्के में नहीं लेना है ठीक है केमिस्ट्री में आ जाते हैं केमिस्ट्री का मतलब जो लिस्ट है हाई वेटेज का वो थोड़ा सा छोटा है एंड तुम यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो दिस इज द दैपीएस्ट पार्ट कि तुम पीरियोडिक टेबल कर लो पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल कर लो उसके बाद तुम डी एन एफ ब्लॉक कर लो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर यू कैन सी पी ब्लॉक एंड डी एन एफ ब्लॉक इस बार धूम मचा रहा है स्पेशली पी ब्लॉक भैया इसको नहीं छोड़ना है पी ब्लॉक को छोड़ दोगे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स चला जाएगा तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है पी ब्लॉक को ठीक है उसके बाद आता है जी ओ सी देखो भैया अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता तो तुम्हें जी ओ सी ना आए तुम जियो सी जानते हो इसीलिए ही तुम्हें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है ठीक है तो भैया जियोसी से बिल्कुल नहीं डरने का जियो सी से सामना करने का क्योंकि जियो सी बहुत ही ईजी होता है अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्व का कर चुके हो तो क्या जियो सी तुम्हारे लिए हार्ड है बिल्कुल नहीं आई एम टॉकिंग टू ट्वेल्व अपेयरिंग ऑल्सो आई एम टॉकिंग टू ड्रॉपर्स ऑल्सो ठीक है उसके बाद आता है बायोमोलिकूल अरे ये चैप्टर बहुत ही मज़ा आता है करने में क्योंकि ये चैप्टर छोटा भी है क्रिस्प भी है बहुत ही अच्छा चैप्टर है ठीक है हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है मतलब कि अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हलो अल्केन्स हलो अरिंज ये सब करा हुआ है तो फिर हाइड्रोकार्बन तुमको खुद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है इक्वलिब्रियम थोड़ा सा फंस सकता है ये थोड़ा सा आ, मुश्किल चैप्टर्स में से हम लोग पकड़ते हैं ठीक है इक्वलिब्रियम के लिए हमें ज़्यादा टाइम देना है और मोल कॉन्सेप्ट इसमें भी हमें काफ़ी टाइम देना है ठीक है मोल कॉन्सेप्ट इसीलिए क्योंकि अगर मोल कॉन्सेप्ट कर पाओगे तो सल्यूशन भी कर पाओगे ठीक है तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत कुछ डिपेंड करते हैं कि तुम अगर मोल कॉन्सेप्ट कर लोगे तो तुम सल्यूशन भी आराम से कर लोगे ठीक है तो इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट इस इज इम्पॉर्टेंट ओके उसी के साथ आते हैं बायोलॉजी सेक्शन में बायोलॉजी हमारा फेवरेट सेक्शन है ना एट पी सी स्टूडेंट्स कमेंट करो तुम्हें बायोलॉजी से कितना प्यार है ठीक है ओके इसके बाद आते हैं एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम में क्या होता है कि तुम लर्न जितना कर पाओगे उतना अच्छा होगा इंफॉर्मेशन लर्न करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके बाद होता है प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम हो जाता है उसके बाद होता है सेल साइकिल सेल साइकिल कर लिया तुमने सेल साइकिल एंड सेल पूरा यूनिटी करना पड़ेगा ठीक है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटोमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लान ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आई नो तुम्हें बोटनी पढ़ना पसंद नहीं है पर बोटन पढ़ना पड़ेगा भाई कुछ नहीं कर सकते ठीक है मॉर्फोलॉजी एंड रेस्पिशन दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्लान ग्रोथ डेवलपमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीशन बॉडी फ्लूड लोकोमोशन ये सब ह्यूमन फिजियो का पार्ट है ठीक है ये सब कुछ जो है ना ये सब कुछ ह्यूमन फीजियो का पार्ट है नई इस मस्त से कि ह्यूमन फीजियो बहुत ही ज़्यादा यू नो इंटरेस्टिंग होता है बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है तो मैं मज़ा आएगा ह्यूमन फिजियो में ठीक है उसके बाद आता है केमिकल कंट्रोल ये भी ह्यूमन फिजियो का ही पार्ट है रिप्रोडक्शन यूनिट से ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से करा होना चाहिए ठीक है क्योंकि सेक्सुअल से कम क्वेश्चन आते हैं एंड उसके बाद मतलब सेक्सुअल ट्रेवलिंग प्लान से कम क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद है कि तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी कम क्वेश्चन आते हैं पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ कॉन्क्रीट पार्ट होगा रिप्रोडक्शन यूनिट जेनेटिक्स यूनिट से एम बी आई बहुत क्लियर होना चाहिए मोलिकुलर बेसिस ऑफ इन्हेरिटेंस काफ़ी ज़्यादा क्लियर होना चाहिए तुम्हारे पास क्योंकि इस यूनिट से इस सेगमेंट से तुम्हारे जेनेटिक्स यूनिट से तुम्हारे दस क्वेश्चन बनते हैं यानी कि चालीस मार्क्स बनता है ठीक है इस यूनिट को हल्के में बिल्कुल नहीं लेने का इसके न्यूमेरिकल्स भी जो है जितने भी सारे मेकेनिजम्स हैं बहुत अच्छे से समझना है ठीक है बायोटेक बायोटेक भी बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है अच्छा मार्क्स यील्ड करता है इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी के अंदर काफ़ी सारा डेटा है तो इस यूनिट को भी बिल्कुल नहीं छोड़ने का इसी के साथ होती है हमारी हाई वेटेज सिलेबस की समाप्ति इसके बाद मैं थोड़ा सा बताती हूँ मॉकटेस्ट को कैसे अटेंड करना है ट्वेल्व अपियरिंग हो तो पहले अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए पहले ट्वेल्थ का मॉकटेस्ट दो उसके बाद इलेवेंथ को रिवाइज़ करो उसके बाद इलेवेंथ का मोकटेस दो एंड ऑल ऑफ यू हैव टू डू एवरी डे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ऑलमोस्ट एट टू नाइन आवर्स यू हैव टू मेक अ शेड्यूल ऑफ स्टडिंग ठीक है अगर तुम बोल लो कि दीदी हाँ बोर्ड्स दे दिया अभी उतना ज़्यादा मन नहीं कर रहा है कोई बात नहीं तुम रेस्ट लो तुम दो दिन का रेस्ट लो पर हर दिन दो घंटे का रेस्ट मस गुजार दो उसके अंदर ठीक है दो दिन का रेस्ट लो बहुत मजे से लो मूवी देखो बाहर जाना है तो जाओ पेरेंट्स के साथ आउटिंग जाना है तो जाओ हो गया दो दिन का रेस्ट उसके बाद बिल्कुल झाड़ी हुई पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी ठीक है ड्रॉपर्स के लिए फुल मॉक टेस्ट दो देखो कौन सा सेक्शन वीकर है मतलब अगर इलेवन का सेक्शन वीकर है तो इलेवेंथ करो ट्वेल्थ का सेक्शन वीकर है तो ट्वेल्व करो पर पहले मैं कहूँ कि इलेवन का मॉक टेस्ट पहले दो फिर ट्वेल्थ का मॉक टेस्ट दो और फिर फुल मॉक टेस्ट तो दे ही रहे हो ठीक है बेस्ट चैनल्स कौन कौन से हैं जो तुम्हारे स्टडीज को और भी बेहतर कर सकते हैं तो उसके लिए कंपटीशन वाला इज़ अ वेरी बिग चैनल बहुत ही अच्छा है ठीक है आर टा ट्वेंटी फोर सेवन ये भी बहुत अच्छे डी भी प्रोवाइड कर रहा है ठीक है यहाँ से भी कर सकते हो संकल्प भारत अरे यार ये कौन है चैनल का नाम गन, गलत लिख दिया आई एम सो सॉरी आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर दिस जो यूनिट में uh, बना रहा था उसने गलती से संकल्प भारत लिख दिया तो संकल्प भारत आई एम सो सॉरी आई विल मेक इट करेक्ट ओके संकल्प भारत और ये है अन एकेडमी नीट अन अकेडमी वाला जो नीट चैनल है वो वाला अन अकेडमी नीट चैनल ये भी बहुत अच्छा है ये चारों के चारों चैनल्स चारो तुम लोगों के लिए पक्का रोज दो घंटे की क्लासेस देते हैं हर एक चैप्टर्स का हर एक चैप्टर को कवर करते हुए चलते हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं देखो तो अगर पढ़ने का मन रहता है तो बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है फोर्टी फाइव डेज इज़ अ लॉन्ग 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 टाइम आई कैन से फोटी फाइव डेज़ कोई कम टाइम नहीं होता तो फोर्टी फाइव डेज में भी हम लोग चाहे तो अपना हूलिया अपना स्टेटस ऑफ मॉक टेस्ट सब कुछ चेंज कर सकते हैं बस माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है अब मॉक टेस्ट को अटेंड करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है एक तो होता है ऑफलाइन पहले ऑफलाइन दो ऑनलाइन वाला मॉक टेस्ट नहीं होता सही से नहीं होता क्योंकि तुम फ़ोन की तरफ देख रहे हो सोच रहे हो ये कर रहे हो वो कर रहे हो नहीं पेपर की तरफ फोकस रहना चाहिए बिल्कुल तीन घंटे का टाइमर लगाना चाहिए देखो मैंने लिख भी दिया है सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन सेल्फ करेक्शन विद टाइमर ठीक है उसके बाद सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे पी तो मिलेगी और टेलीग्राम पर भी मिलेंगे देखो मैं भी जानती हूँ तुम भी जानते हो तुम लोग बहुत स्मार्ट हो आज के डेट पर तो टेलीग्राम पे मिलते हैं पी डी एफ्स ये तुम भी जानते हो मैं भी जानती हूँ इफ़ यू वॉन्ट मी टू प्रोवाइड दैम तो मेरे टेलीग्राम पे आओ मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कौन से ग्रुप्स आकाश एलन पी डब्ल्यू इन लोग का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है ठीक है आई कैन से दैट टू ठीक है ओके मार्क द रॉन्ग आंसर्स इन द ए एन सी आर टी ये सबसे इम्पोर्टेंट एंड गोल्डन पॉइंट है पता नहीं मैंने इसको हाईलाइट क्यों नहीं किया इसको मैं तुम्हारे सामने हाईलाइट कर रही हूँ ठीक है क्यों हाईलाइट कर रही हूँ उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब तुम अपनी गलतियों को एन में मार्क करके रखोगे तुम जितनी बारी उसे रिवाइज़ करोगे तुम्हारे दिमाग में आएगा ये चीज़ अरे यार ये गलती हुई थी अरे यार ये गलती हुई थी नेक्स्ट टाइम कभी भी वो गलती नहीं होगी इसीलिए अपना थोड़ा सा टाइम निकालना थोड़ा सा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा टाइम निकालना और अपनी जो गलतियाँ हो रही है ना उसे एन में मार्क करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये गलतियाँ एन में मार्क करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है इट्स ऑल अबाउट वॉट आई वॉन्टेड टू से आई सेड मेरा पिछला वाला वीडियो अगर कुछ स्टूडेंट्स देखना चाहते हो तो देख सकते हो दैट वॉज दैट वीडियो वॉज फॉर द बायो प्रोफेशंस वॉट अदर्स कैन गो जिन लोगों को नीट नहीं करना उन लोगों के लिए था वो वाला तो उसे मैं अटैच कर दे रही हूँ तो मैं मिल जाएगा यहीं कहीं ठीक है तो वो मिल जाएगा और नीट वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल फोकस करो ज़्यादा टेंशन मत लो बहुत अच्छा होगा बस इन चैप्टर्स को याद रखो इफ यू वॉन्ट पी डी एफ इज अटैच एट द बिलो गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट द पी डी एफ सेव इट एंड फॉलो द होल पी डी एफ ठीक है और बस और क्या आज के लिए इतना ही मैं तुम लोग को कभी भी प्रेशराइज़ नहीं करूँगी कि नीट में इतना 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 ठीक है कोई बात नहीं तुम्हारा बोर्ड्स अगर बिगड़ गया है तुम्हारी मेंटल स्टेट अगर अच्छी नहीं है इस वक्त तो कोई बात नहीं यार कभी कभी हो जाता है हमारा बैड टाइम्स कम इन आवर लाइफ बट एटलीस्ट जो टाइम बचा हुआ है जितना इतना ज़्यादा टाइम तो बचा हुआ है इतना टाइम भी हम लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते कि हाँ उस टाइम पे पढ़ लिया होता नहीं वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए आज से शुरू करेंगे अभी से शुरू करेंगे तो एकदम इतना ज़्यादा करेंगे कि वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि यार मैंने तो पूरा टाइम वेस्ट कर दिया था वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए वो बहुत गंदी वाली फीलिंग होती है तो वो नहीं आनी चाहिए बाकी करो यार प्रिपरेशन करो और मैं जानती हूँ मैनी ऑफ दैम कैन एक्चुअली डू इट ऑल्सो ठीक है बहुत लोग कर सकते हैं और हाँ भाई दूसरी चीज़ नीट वीट प्रोस्पॉन्ड नहीं होगा मुझे नहीं पता कौन ये सब मैसेजेस दे रहे हैं नीट प्रोस्पॉन्ड नहीं होगा क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो तुम्हारे इलेक्शन डेट्स पढ़ते हैं वो सेवेंथ को पढ़ा है सेवन्थ मे को पढ़ा है फिफ्थ मे को कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिफ्थ मे विल बी नॉट इफेक्टेड फॉर इट अंटिल एनी एडवर्स डेंजरस सिचुएशन इज कमिंग क्योंकि कभी कभी क्या होता है इलेक्शन के टाइम पे पीपल एग्जाजरेट एंड डू मिनिमच इलीगल एक्टिविटीज़ हो जाती है या तो कुछ और हो जाता है यू कैन अंडरस्टैंड दैट ठीक है तो वो सब सिचुएशंस अलग बात है पर वो सब सिचुएशंस आज के टाइम पे नहीं आते हैं हमारे गवर्नमेंट इज़ वेरी स्मार्ट अबाउट दिस टाइप ऑफ इलेक्शन इशूज़ तो डोंट वरी तुम्हारा नीट एग्जाम फिफ्थ को ही होगा ठीक है ज़्यादा रिलैक्स मत हो जाओ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो ठीक है एन आई होप यू विल बी वेरी मच हैप्पी इन लाइफ एंड तुम बहुत अच्छा करने वाले हो सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माई नीट एस्परेंट्स ठीक है मैं चाहती हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छा करो अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं साइंटिस्ट और डेट्स का एक अलग से पी डी एफ बनाने वाले हूँ बिकॉज इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू रीड राइट right नाउ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ और मैं बनाने वाली हूँ और बना के कर रिवाइज भी करवाऊंगी ऊपर से ये पीडीएफ एक्सेस भी कर दूंगी तुम लोग के लिए तो मेरे साथ जुड़े रहना कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मैं नीट के लिए ज़रूर देती रहूँगी ऑल द बेस्ट टू ऑल द टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर मैं चाहती हूँ कि तुम नीट लगा दो एंड थैंक यू फॉर सो मच सपोर्ट इन द बायोलॉजी एग्ज़ाम तुम्हारा बायोलॉजी एग्ज़ाम अच्छा गया है मुझे बहुत अच्छा लगा है ठीक है सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे